चलिए दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र जैन मामले में बड़ा अपडेट। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मसाज देने वाला नहीं है कोई फिजियोथेरेपी, सूत्रों के हवाले से खबर। जेल का कैदी है फिजियोथेरेपी देने वाला, तो रेप के आरोप में सजा काट रहा है रिंकू। सूत्रों के हवाले से खबर आई है, आपने रिंकू को बताया था फिजियोथेरेपी, तो आपने रिंकू को फिजियोथेरेपी बताया था, लेकिन वो फिजियोथेरेपी नहीं। सत्येंद्र जैन मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। तिहाड़ जेल के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मसाज देने वाला कोई फिजियोथेरेपी नहीं है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। जेल का कैदी है फिजियोथेरेपी देने वाला, तो सत्येंद्र जैन मामले से जुड़ी हुई ये अपडेट आपको दे रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा था, सत्येंद्र जैन बेड पे लेटे हुए नजर आ रहे हैं, देखिए उनको मसाज देते हुए एक व्यक्ति नजर आ रहा है। इसको लेकर के बीजेपी हमलावर हुई थी और पूछा गया था कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। उस वक्त ये कहा गया था कि ये फिजियोथेरेपी देने वाला व्यक्ति है, लेकिन अब ये जेल का कैदी बताया जा रहा है। रेप के आरोप में ये सजा काट रहा है, इसका नाम रिंकू है, सूत्रों के हवाले से खबर।